दोस्तों, वेलकम बैक टू देखो देश देखो विदेश। मैं हूं अरुण और वेलकम करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज कहां पर हूं। दोस्तों, मैं हूं आज एक ऐसी जगह जहां पर आप सभी को ज़रूर आना चाहिए। मैं हूं अहमदाबाद सिटी से नज़दीक एक ऐसे ही विंटेज ऑटो कार म्यूज़ियम में। तो यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ का टाइमिंग क्या है, यहाँ की टिकट वगैरह क्या है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और विजिट करते हैं ऑटो कार म्यूजियम की। इस म्यूजियम का यह पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप अपनी बाइक कार आसानी से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है। इस म्यूजियम की शुरुआत प्राणलाल भोगीलाल ने 1927 में 2200 एकड़ की अपनी निजी संपत्ति दास्तान में ऑटो वर्ल्ड कार म्यूजियम की शुरुआत की। म्यूजियम में एंट्री टिकट की बात करें तो 100 रुपए की एंट्री टिकट है। साथ ही साथ अगर आपको म्यूजियम में फोटोग्राफी करना है तो 100 रुपए उसकी टिकट भी आपको साथ में लेनी पड़ती है। अगर आपको मोबाइल और कैमरे से वीडियो शूट करना है तो 1000 उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। टाइमिंग की बात करें तो म्यूजियम का समय सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक का है। विंटेज कारों, बाइक, बग्गी और भी वाहनों का सबसे बड़े कलेक्शन में से एक ऑटो वर्ल्ड उन सभी के लिए है जो इस तरह की गाड़ियों को पसंद करते हैं। कारों की बात करें तो इस म्यूजियम में आपको बेंटले, लेगोंडा, रोल्स रॉय, कैडिलिक, जागुआर, मर्सिडीज जैसी बहुत सी गाड़ियों का बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। ये एम्बुलेंस है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये उस समय की बहुत ही अच्छी कारीगरी जो बनाई होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में ये एक्सरे मशीन भी है, इसी से एक्सरे होता था। ये दो लोग इस पर लेट सकें, ये पूरी एम्बुलेंस बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कितनी ही बढ़िया, कितनी सुंदर ये एम्बुलेंस है, ये साथ में एक्सरे मशीन भी। इस ऑटो वर्ल्ड में विंटेज कार म्यूजियम में कुल 104 कारों का अद्भुत कलेक्शन किया गया है। विंटेज कार की राइड के लिए आपको करीब 3 किलोमीटर के लिए यहां पर 1000 रुपये की टिकट लेनी होगी। 2200 एकड़ के कुछ भाग में प्राणलाल भोगीलाल जी ने बहुत ही बढ़िया घर बनाया है, अब यहां पर उनके परिवार के लोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी का इंजन है और इसके अंदर पिस्टन होता है और इसके ऊपर ढांचा बिठाने के बाद तब यह एक गाड़ी का स्वरूप ले लेती है। 1987 में प्राणलाल भोगीलाल ने दुनिया के सबसे बड़े निजी गैरेज के मालिक के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। तो दोस्तों, ऑटो कार म्यूजियम की विजिट करने के बाद आप थक जाते होंगे, तो यहाँ पर ही उसी कैंपस में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, मैं आपको उसकी भी विजिट करवाता हूँ। आप यहाँ पर लंच, डिनर वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मेरे आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक देसी अंदाज में बैठ कर, आप खटिए पर बैठ कर आप यहाँ पर लंच का मज़ा ले सकते हैं, आप डिनर का मज़ा ले सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर
विजिट करने के लिए आते हैं, आपको ये बहुत ही बढ़िया है। उसी कैंपस में अगल बगल काफ़ी आपको पेड़ वगैरह दिख जाएंगे, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे, और आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, लंच डिनर इंजॉय कर सकते हैं, पूरी ग्रीनरी के साथ यहाँ पर है और आप बहुत ही बढ़िया इंजॉय करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, विंटेज म्यूज़ियम में आपने देखा अभी आउटडोर का, अभी मैं दिखाता हूँ जो यहाँ पर इंडोर बना हुआ है, रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसके भी हम विजिट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है, बहुत बढ़िया। ये इस तरह का जो आपने आउटडोर देखा, ये इंडोर बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर फैसिलिटी वगैरह है, आप ठंडक में बैठकर आप यहाँ पर लंच डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। आप जब भी ऑटो कार म्यूज़ियम विजिट करने आते हैं, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर लंच का मज़ा लीजिए और डिनर का मज़ा भी लीजिए। यहाँ का जो टाइमिंग है, सुबह 7 बजे से लेकर विंटेज कार शुरू हो जाता है म्यूज़ियम, और रात के करीब 9 बजे तक इसका टाइमिंग है, उस बीच में कभी भी आप आ सकते हैं। और इस तरह की बढ़िया से आप टेबल पे कुर्सी पे बैठकर, साथ में आप नीचे बैठकर भी इसका मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का व्लॉग था ऑटो वर्ल्ड कार म्यूज़ियम का, जो कि अहमदाबाद सिटी के बिल्कुल पास में है। आपने पूरा व्लॉग ज़रूर देखा होगा, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखने के लिए, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।